Find the real, find the real me. So let's go. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितुस कॉर्नर। मेरी आज की रेसिपी है क्रीमी टिंडे। क्रीमी टिंडे बनाने में बहुत आसान होते हैं और खाने में बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। क्रीमी टिंडे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम टिंडे। मीडियम साइज़ के टिंडे लेने हैं, ज़्यादा बड़े टिंडे नहीं लेने हमें। एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 8-10 काजू जिन्हें थोड़े से गर्म दूध में भिगो दिया है मैंने। एक बड़ा चम्मच फ्रेश मलाई, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा, इनका हमें पेस्ट बना लेना है। काजू और दूध का भी हम पेस्ट बना लेंगे। एक कटोरी में हम सारे सूखे मसाले ऐड कर लेंगे जो हमें टिंडे बनाने के लिए चाहिए। एक चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच पिसी हुई सौंफ, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला। इन सब के अलावा थोड़ा सा जीरा, हींग और कुकिंग ऑयल की ज़रूरत होगी। सबसे पहले टिंडों को छील लेंगे। सारे टिंडे छीलकर तैयार कर लिए मैंने। हमें टिंडों को काटना नहीं है, बस बीच में से हल्का सा एक कट लगाना है। इस तरह से कट लगाएंगे, नीचे से टिंडा अलग नहीं होना चाहिए। इस तरह से एक कट और लगाएंगे। इस तरह से सभी टिंडों में कट लगा लेंगे। एक कट ऐसे और एक ऐसे क्रॉस कर लेंगे। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे, 1/2 चम्मच साबुत जीरा। इसमें जो हमने मसाले सारे मिक्स करके रखे थे ये डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो पर रखेंगे और मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। एक मिनट मसालों को भूनने के बाद इसमें टमाटर और अदरक का पेस्ट मिला देंगे। एक मिनट भूनने के बाद कढ़ाई को ढक देते हैं ताकि ये जल्दी पक जाए। 2-3 मिनट हुए हैं, टमाटर अच्छे से भुन गए हैं, इसमें से ऑयल भी अलग हो गया है। अब हम इसमें टिंडे डाल देंगे। साथ ही 1 कटोरी के करीब पानी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और ढककर टिंडों को गलने तक पकने देंगे। 6-7 मिनट हो गए हैं टिंडों को पकते हुए, एक बार खोलकर चेक कर लेते हैं।
नाइफ की हेल्प से चेक कर लेते हैं टिंडे सॉफ्ट हुए या नहीं। टिंडे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन अभी इसमें थोड़ी कसर है, इसे हम 2-3 मिनट और पकाएंगे। बीच में जो हमने कट लगाए हैं एक बार चम्मच से इनको हल्का सा खोल देंगे और मसाला इसमें चम्मच से ऐसे डाल देंगे। इसी तरह से सारे टिंडों के बीच में चम्मच से थोड़ा थोड़ा मसाला भर देंगे, नहीं एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी इन्हें हल्का सा और गलाना है इसलिए फिर से एक बार ढककर 2-3 मिनट पका लेंगे। 2-3 मिनट और हो गए टिंडों को पकते हुए। अब ये अच्छे से गल भी गए हैं और इनका पानी भी बिल्कुल सूख चुका है। हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। साथ ही जो हमने काजू का पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे और फ्रेश मलाई। सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। सब चीज़ें मिक्स करने के बाद अब इसे 2-3 मिनट और ढककर पकने देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। दो तीन मिनट हो गए हैं, सब्जी चेक कर लेते हैं। इसमें से पानी बिल्कुल सूख चुका है और ये सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। क्रीमी टिंडे बनकर तैयार हैं। आप अपनी पसंद की चपाती या पूरी परांठे किसी भी चीज़ के साथ इन्हें सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये टिंडे और बहुत कम टाइम लगता है इन्हें बनाने में। आप चाहें तो इन्हें लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को भी ये सब्जी बहुत ही पसंद आती है।